नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीसी सेवन न्यूज। मैं मुकेश शर्मा, गांव जांडवाड़ा बागड़ में एक अनोखी मिसाल गांव निठाणा की तरफ से। आज से कई साल पहले 15वीं शताब्दी में आपने सुना होगा, हरियाणा के अंदर नरसी ने जो भात भरा था, जिसकी काफ़ी वीडियो और काफ़ी कथा कहानियाँ आपको देखने को मिलती है। ऐसी ही एक मिसाल गांव जांडवाड़ा बागड़ में निठाणा गांव के ग्रामवासियों ने दी है, जो कि नरसी जिस तरह भात लेकर आया था उसी तरह ही भात और पूरी जानकारी लेकर आए हैं निठाणा के निवासी। निठाणा गांव जो है जांडवाड़ा में पूछा है, पूरी भीड़ उमड़ी है, जिसमें औरतें भी भात में आई है और कई जो साधन है वो पूर्ण रूप से, यानी बस अगर होती तो बसों में पूरा ठुकाठुक होता, लेकिन प्राइवेट साधन होने की वजह से जो प्राइवेट साधन लेकर आए हैं सभी गांव निठाणा के वासी, और काफ़ी धूम धड़ाका से भात भरा गया। इस वीडियो में आप हमारे साथ बने रहें, हम आपको दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। देखते रहें जेबीसी सेवन, जुड़े रहें हमारे इस वीडियो में, पूरा दृश्य हम आपको दिखाएंगे। Thank you.
जेबीसी 7 देखने वाले तमाम दर्शकों का मेरा नमस्कार। मैं ओम प्रकाश शर्मा और आज हम हरियाणा के एक ऐसे गांव में पहुंचे, एक अनोखा भात देखने को मिला है। आप लोगों ने सुना होगा कि जो भाई होते हैं वो अपनी बहन का भात भरते हैं, लेकिन एक आज ऐसी घटना देखने को मिली है कि पूरा का पूरा गाँव अपनी बहन का भात भरने के लिए इस गाँव में पहुंचा है। हमारे साथ बहन, क्या नाम है? शिल्पा बहन हमारे साथ रहेंगी। हम उनसे जानेंगे कि आज इस अनोखे बात में वो पहुंचे हैं, उसके बारे में। नमस्कार जी। नमस्कार भाई। सबसे पहले हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। थैंक यू। आज एक अनोखे बात में आप पहुंचे हो, कैसा महसूस हो रहा है? कैसा बात है? ज्यादा खुशी महसूस हो रही है। मेरी बात सुनो, आज ये जो भात भरा जा रहा है ये हमारे महाराज श्री श्री 1008 श्री निकुदास जी महाराज के चेले संतलाल जी महाराज जो निठाणा ग्राम वासी थे उनकी बहन का भात है और उनके उनके सारे निठाणा गांव के सारे भगत जन मेरे भाई बंधु ये सभी पहुंचे हैं और सभी के सहयोग से हमारे पूरे भगत जन के सहयोग से ये भात और मायरा भरा जा रहा है। मैं बहुत खुश हूँ और ऐसा मायरा हर जगह भरा रहे। ऐसी विचित्र घटना आखिर क्यों घटी, ऐसा क्यों हुआ, उसके पीछे भी कोई? देखो जी, कहते हैं ना कि विधि के विधान को कोई नहीं पढ़ सकता और जो इंसान के नसीब में लिखा हो, जो इंसान के नसीब में होता है वही होता होगा, होके रहेगा और जो भगवान ने कर्म रेखा लिख दी वही रेखा रहेगी, उसको ना तो कोई पलट सका और ना कोई पलट सकता। तो ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि इतना बड़ा भात देखने को मिला है। आप इतने दिनों से इस बात की तैयारी कर रहे थे? जी, हमने कोई तैयारी नहीं की, भगवान की मोहमा है ये। हमारे भाई पूरे गांव ने तन मन पूरा। हाँ, तो ऐसे कैसे मन में ख्याल आया कि इस तरह से बहन का जो भात है वो भरा जाए? मेरी बात सुनो, एक बहन के लिए और भाई के मन की बात ना पूछो, वो तो भगवान की लीला है और भगवान के बनाए रिश्ते हैं, पवित्र रिश्ता बहन और भाई का ही होता है, इसको मैं कोई बखान नहीं कर सकती। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। बहुत बड़ी बात में आप पधारे हैं। श्री कृष्णा ये हमारे साथ और साथी रहेंगे, हम उनसे भी जानेंगे इस बात के बारे में। नमस्कार सर। तो इतना बड़ा बात पहली बार देखने को मिल रहा है, ऐसा क्या हुआ, ऐसा उसके पीछे क्या हुआ कि मतलब इतना बड़ा? उसकी बहन वो बात है, जिनका ही भाई साधु है तो मीरा का भाई साधु है, जिसके लिए ऐसा बात नहीं है। सारे गांव नौकर है, इस लड़की के भाई नहीं है, सब सबके दिल और आत्मा एक साथ जुड़ कर ये प्रोग्राम। कौन से गांव की तरफ से ये बात भरा? ये नेखाना गांव की तरफ से भरा। पड़ता है नेखाना गांव गोगा मेडी के नजदीक 9 किलोमीटर राजस्थान का गांव है। राजस्थान बात भरने के लिए कितने लोग इस बात में? इस बात के अंदर 400-450 लोग आए हैं। तो ऐसा पहले कभी हुआ है? इतना नहीं हुआ, कहीं भरा गया। ये तो नरसिंह जी का भगवान का नाम सुना था हमने बात का, और यह आज भरा गया है इस गांव। यानी पूरा का पूरा गांव एक हो गया है? हाँ, तो गांव एक होकर आया, सब एक मन होकर आए हैं और सबकी दया भावना बहुत अच्छी है, बहुत ही। तो आप ये देख रहे थे कि एक बहुत बड़ा विचित्र घटना, बहुत बड़ा बात है इस इलाके का, इस एरिया का, और मेरी नजर में पहला ऐसा बात होगा जिसमें 400 से 500 लोग एक बात में एक गांव की तरफ से पहुंचे हैं। अपनी पर्सनल गाड़ी ले लेकर आ रहे हैं लोग, अपने पर्सनल गाड़ियों के माध्यम से, अपनी ओर से जो बनेगा वो होगा, आने वाला वक्त बताएगा कि इस बात में कितना बड़ा बात भरा जाता है। लेकिन एक विचित्र घटना मैं कहूंगा इस इलाके की कि आज तक कभी भी ऐसी घटना नहीं घटी है कि पूरा का पूरा गांव भात भरने के लिए किसी बहन के पास पहुंचा हो। सूटों का, कपड़ों का तो कोई नेप नहीं है, यहाँ दो कंतर भरकर लाए हैं, और जो जेवरात होती है कोई नाक की कान की मंगल सूत्र और वो सब जो समाज के अंदर चलता है उससे ही किसी होकर ये बात आया है। यहाँ सोने की जेवरात और सब कुछ बहुत है, बहुत कुछ देखने को मिलेगा इस बात में, एक बड़ा भात देखने को मिलेगा। तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि जिस बहन का कोई भाई नहीं होता क्या उसका भात नहीं भरा जाता, लेकिन एक उस तथ्य को उलट फेर किया है, एक बहुत बड़ा भात पूरा का पूरा नेठाना गांव जो भादरा तहसील का गांव है वो पहुंचा है यहाँ पे भात भरने के लिए। तो देखते रहिए जेबीसी 7। हम इस गांव को, जो जानडाला गांव है उसको भी धन्यवाद देते हैं क्योंकि हमारे इतने जो लोग हमारे साथ आए हैं नेठाना गांव से, वो हमारा आदरमान भाव दया भावना से बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो उसको भी बहन थी, इनके भाई नहीं थे, इसके भाई है, वो बन गया साधु बन गया था भाई, अब सीधा आदमी था वो चला गया। अच्छा, तो परिवार में आगे कोई परिवार के अंदर और कोई नहीं है जो जी।
मान के अपा बात ब्राह्मण नाई के दे दो बोल ₹1,000 था, फिर उसके अंदर ₹31,000 बनवारी चाचा ने और दे दिए, अब ₹51,000 और आ गए, तो कुल मिला के ₹5,83,000 हो गए, यानी कि 6 लाख के लगभग हो गए। टोटल जो हमारे नेत्राणा ग्रामवासी भगत जन, जो हमारे भामा साहब बहन बहन हस्तियाँ जो बैठे हैं, सभी पूरे भगत जनों की ओर से ₹7,75,000 रुपए का सहयोग हुआ है। आ जाओ गुड़ी धरनु आके ना जो थे से ले सर जो लड़के मंडा बढ़िया जाएगा फोटो खिंचा सक है गुड़िया बढ़ जा मंडा तो टाइम ज्यादा ना लगाइए सर, अब भी मतलब आराम आराम जानो का कुछ और लिखना होगी लिखा और बाद में।